वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस के सर। मैं हूँ आपका एजुकेटर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सेल के बेसिक के बारे में जाना, सेल की हिस्ट्री देखी, सेल की डिस्कवरी देखी और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। तो मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक प्लांट सेल को लेते हैं। प्लांट सेल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल अगर सेल में से ये प्लांट सेल में से अगर सेल वॉल को हम रिमूव कर दें, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस और ये है कुछ सेल ऑर्गेनेल। अगर इस सेल में से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो है वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। देन इस प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट को हम निकाल देते हैं, तो बचे हुए बाकी पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देन अब प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को भी रिमूव कर देते हैं तो बचे हुए पार्ट को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। देन अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को भी रिमूव कर देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसॉल। कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट सेल है, अगर इसमें से सेल वॉल को हम रिमूव कर दें तो बाकी जो पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। देन अगर बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, उसमें से अगर हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देन अगर प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को, ये वाले पार्ट को भी हम रिमूव कर दें तो उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। देन अगर साइटोप्लाज्म में से ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसको भी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो जो फ्लूइड पार्ट बच के आता है, जो फ्लूइड पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं साइटोसॉल। तो ये तो बात हो गई कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है ए मेम्ब्रेनस और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, जो जिनके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं हम ए मेम्ब्रेनस, और वो ऑर्गेनेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस। ए मेम्ब्रेनस को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। नंबर एक राइबोसोम्स जो होते हैं उसको हम देन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो होता है प्रोकैरियोट और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो होता है 70S टाइप का, 70S, और जो यूकैरियोटिक होता है वो एक तो होता है 80S और दूसरा होता है 70S। 70S फिर फर्दर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है 30S और एक होता है 50S। देन जो यूकैरियोटिक 80S है वो भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है 40S और एक होता है 60S। देन यूकैरियोट में जो 70S होता है उसके मेनली दो एग्जांपल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।
माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड को हम टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल्स हमको हम इस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, जो कि होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। देन हम आगे मूव करते हैं सेंट्रोसोम की तरफ। सेंट्रोसोम जो होता है वो जो राइबोसोम्स सबसे पहले देख लेते हैं। राइबोसोम्स प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम्स जो होता है वो प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम्स जनरली क्या होता है, एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है, एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक होता है प्रॉक्सिमल साइड और एक होता है डिजिटल साइड। देन हम मूव करते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। न्यूक्लियोलस जो होता है वो ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। देन हम मूव करते हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल की तरफ। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स जो होता है फिर फर्दर उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, डबल मेम्ब्रेनस एंड सिंगल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल, जिसका एग्जाम्पल है सबसे पहले न्यूक्लियस जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल इसमें भी प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया की। माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसी से ही एटीपी जनरेट होती है, एटीपी जिसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। देन मूव करते हैं हम प्लास्टिड की तरफ। प्लास्टिड जो होता है, माइटोकांड्रिया भी प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। देन प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल में एब्सेंट होता है और मेनली प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड को हम फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, क्लोरोप्लास्ट एक होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जो पत्तियां ग्रीन होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होती हैं। देन क्रोमोप्लास्ट ये भी प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। देन हम आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट की तरफ। ये जो होता है वो कलरलेस होता है। देन ल्यूकोप्लास्ट को फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एमाइलोप्लास्ट, देन एल्यूरोप्लास्ट, देन इटियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, स्टोरेज। देन एल्यूरोप्लास्ट जो होता है उसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसमें जनरली प्रोटीन का स्टोरेज होता है। देन बात करते हैं हम इटियोप्लास्ट की। इटियोप्लास्ट में जनरली फैट एंड ऑयल का स्टोरेज होता है। देन हम मूव करते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स की।
सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन, नंबर टू गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, नंबर थ्री वैक्यूल एंड नंबर फोर लाइसोसोम, नंबर फाइव साइटोस्केलेटन एंड नंबर सिक्स माइक्रोबडीज। चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर फिर दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं। RER में मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की होती है और जो तुम्हारे रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मेनली लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है। देन मूव करते हैं हम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ, इसको हम दूसरा नाम गॉल्गी बडीज भी बोलते हैं। प्लांट में इसको स्पेशल नाम देते हैं और बोलते हैं हम डिक्टियोसोम। देन हम वैक्यूल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वैक्यूल, ये एनिमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स भी एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, बट इसका नाम जो है वो डिक्टियोसोम हो जाता है। देन वैक्यूल में चलते हैं, ये भी प्लांट में मेनली प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी ये पाया जाता है। ये प्लांट में जो होता है वो लार्जर साइज में पाया जाता है और इसका वर्क ये होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एनिमल में ये स्मॉल साइज में होता है, स्मॉलर इन साइज। इसी वैक्यूल के लार्जर और स्मॉलर होने की वजह से जो प्लांट होता है, प्लांट का सेल जो होता है वो लार्जर इन साइज में होता है और एनिमल का जो सेल होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। देन मूव करते हैं हम लाइसोसोम की तरफ, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे एंजाइम्स का डाइजेशन जो होता है इसी लाइसोसोम में ही होता है। लाइसोसोम को फिर फर्दर हम प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्सरी लाइसोसोम में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। लाइसोसोम्स जो होता है, जो लाइसोसोम्स होता है वो प्लांट में मेनली ये एब्सेंट होता है और एनिमल में जनरली ये प्रेजेंट होता है। देन हम मूव करते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। साइटोस्केलेटन में हम जनरली ये देखते हैं, इसको पहले हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन होते हैं, ए बी एंड सी तीन पार्ट इसके होते हैं। देन हम मूव करते हैं माइक्रोबडीज की तरफ। माइक्रोबडीज साइटोस्केलेटन जो होता है मेनली एनिमल में ये प्रेजेंट होता है और प्लांट में ये एब्सेंट होता है। देन हम मूव करते हैं माइक्रोबडीज की तरफ। माइक्रोबडीज को फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं पर ऑक्सीसोम्स,
दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्लाई ऑक्सी सोम्स, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्फीरोसोम्स, स्फीरोसोम्स। पराक्सीसोम्स जो होता है वो एनिमल प्लस प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट। ग्लाई ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में एब्सेंट होते हैं। स्फीरोसोम्स जो होते हैं इसको हम, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं प्लांट लाइसोसोम। इसको हम प्लांट लाइसोसोम का नाम देते हैं। तो ये तो रही बात कि कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में। अब आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, जो कि एनिमल सेल, प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इवन आप वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी विथ एस के सर फॉर गेटिंग मोर डिफरेंट वीडियोज़। थैंक यू।